हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी के लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आज ये इतना टेस्टी बनने वाला है आलू का पराठा कि आप इसे डेली खाएंगे ना तब भी आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आलू के पराठे के साथ हम बनाएंगे पुदीने वाली लस्सी। तो इसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है ये। तो यहाँ पर मैं एक ग्लास लस्सी बना रही हूँ, उसके लिए आधा कप दही इनफ है। अब इसमें फ्रेश पुदीना पत्ता ऐड करेंगे, एक इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें ठंडा पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी पुदीने वाली लस्सी बनके रेडी हो गई है। अब इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। तो ये पुदीने वाली लस्सी जब आप आलू के पराठे के साथ पियेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा और आलू का पराठा भी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसे पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देंगे। तो ये पुदीने वाली लस्सी हमारी रेडी हो गई। तो चलिए अब आलू वाला मसाला रेडी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लहसुन अदरक और हरी मिर्ची को क्रश करेंगे। तो ये हमारी लहसुन मिर्ची भी क्रश हो गई है। तो अब बड़े से बोल में 6-7 उबले हुए आलू लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, अजवाइन और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब इसमें क्रश किया हुआ लहसुन मिर्ची ऐड कर देंगे और ढेर सारी चॉप्ड की हुई धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। तो आधा लेमन जूस ऐड करेंगे, आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी, तो सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू वाला मसाला भी रेडी हो गया। तो अब डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप गेहूँ का आटा ऐड करेंगे बोल में। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर पानी डाल के सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। तो पराठे के लिए सॉफ्ट डो इसलिए लगाएंगे कि जब हम पराठे को बेलेंगे ना तो वो आसानी से बेल जाए। तो डो भी हमारा रेडी हो गया। चलिए अब इसे एक साइड रखते हैं और आलू का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आलू वाला मसाला बनाया था उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेंगे। तो इस तरह से बॉल्स बना के रख लेंगे तो पराठा बनाना ईजी हो जाएगा। तो अब आटा लेंगे और इसे रोलिंग बोर्ड के ऊपर हल्का सा मल लेंगे। उसके बाद इसमें से 5 लोइयों को कट करेंगे। तो अब लोई लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे पूरी की तरह हल्का सा बेल लेंगे। अब पूरी में आलू वाला बॉल्स रखेंगे और इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। अब फिर से सूखा आटा डस्ट करेंगे और पराठे की तरह इसे बेल लेंगे। तो पराठे को हमें हल्के हाथों से बेलना है, अदरवाइज ये फट जाएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इसी तरह हम 4 पराठे और बना लेंगे। तो आज पराठे को आयरन की तवे पे नहीं नॉनस्टिक पैन में सेकेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप नॉनस्टिक पैन में ही सेकें, आप आयरन की तवे पे भी सेक सकते हैं। तो पराठे को हमें दोनों साइडों से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेकना है। इसमें घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो मैं पराठे के ऊपर मेल्टेड घी लगा रही हूँ। तो पराठे के ऊपर अच्छे से घी लगाएंगे और इसे उलट पलट के गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो एक पराठा हमारा सेक गया, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे को सेक लेंगे। तो ये हमारा आलू वाला पराठा बनके रेडी हो गया। इसे पुदीने वाली लस्सी, हरी चटनी और मक्खन के साथ सर्व करेंगे।
तो आज मेरे आलू के पराठे साथ में पुदीने वाली लस्सी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो इस टेस्टी से आलू के पराठे साथ में पुदीने वाली लस्सी को आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। तो आप देख सकते हैं पराठे हमारे कितने अच्छे बने हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।